क्वेश्चन नंबर है टू। फर्स्ट पार्ट है मेजरमेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ क्यू आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट पी आर इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तीनों मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रा करते हैं। तो पी क्यू 6 सेंटीमीटर जो है हम ड्रा करते हैं। पी और क्यू, अपनी कंपस 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और पॉइंट क्यू का इस्तेमाल करते हुए एक आर्क ड्रा करते हैं। अपनी कंपस को 5.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और पी पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे जो पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आर का नाम देंगे। आर को ज्वाइन करेंगे पी और क्यू से। ट्रायंगल पी क्यू आर के अल्टीट्यूड्स हमने ड्रा करने हैं। अल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए हम एक वर्टेक्स का इस्तेमाल करेंगे किसी भी, जैसे मैं पी का इस्तेमाल कर रहा हूं और पी के ऑपोजिट जो साइड है उस पर मैं एक आर्क ड्रा करूंगा जो कि उस साइड जो है पी के ऑपोजिट क्यू आर साइड को दो जगहों पे इंटरसेक्ट। ओपन करने के बाद हमें नए पॉइंट मिले हैं दो, ये वाले। इन दो पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हम दो आर्क लगाएंगे। पहले इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, आर्क ड्रा की, और फिर इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ये आर्क ड्रा की। जो नया पॉइंट हमें मिला है हम उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं और हमारे पास इस नए पॉइंट के ऑपोजिट वर्टेक्स है पी। तो पी से मिलाएंगे तो ये हमने अल्टीट्यूड ड्रा किया है पॉइंट पी से। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हमने पी वर्टेक्स में से पास करती हुई एक लाइन ड्रा की है जो कि ऑपोजिट साइड क्यू आर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे। अब हम ट्रायंगल के दूसरे वर्टेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्यू का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेथड वही है। आप अपनी कंपस इतनी खोलें कि क्यू के ऑपोजिट साइड को दो जगहों पर वो इंटरसेक्ट करे। तो मैं एक पॉइंट आर का इस्तेमाल कर रहा हूं और इसी को बढ़ाकर ये मैंने आर्क लगाई। तो एक दो पॉइंट हमें मिले, एक पॉइंट आर पहले से ही मौजूद है और एक पॉइंट ये हमें मिल गया। इन दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हम दो नई आर्क लगाएंगे जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम उस पॉइंट के ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे। तो जो नया पॉइंट हासिल हुआ उसका ऑपोजिट वर्टेक्स है क्यू, तो क्यू से मिलाते हैं। तो हमने अल्टीट्यूड ड्रा किया है क्यू वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पी आर। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास या तीसरा वर्टेक्स है ट्रायंगल का हमारे पास आर। आर पे अपनी कंपस रखेंगे, इतना खोलेंगे कि ऑपोजिट साइड को दो जगहों पर वो इंटरसेक्ट कर सके। हमें दो नए पॉइंट मिले, एक पॉइंट है ये और एक है ये। इन दो पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और दो नई आर्क लगाएंगे
जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जो हमें नया पॉइंट मिला है उसको उसके ऑपोजिट वर्टेक्स आर से ज्वाइन कर। अब ये लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रा किए हैं पी क्यू आर से, ये ट्रायंगल की साइड को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको नाम देते हैं, जैसे कि ए पॉइंट, इसको नाम दिया बी का और ये है सी का। इस तरह पी बी, आर ए एंड क्यू सी आर आल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर के ये अल्टीट्यूड्स हैं। क्वेश्चन नंबर है टू, सेकंड पार्ट है, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ क्यू आर इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर और मेजर एंगल आर इक्वल टू 45 डिग्री। तो दी गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे और एक ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रा करते हैं। तो एंगल बन रहा है आर पे, तो क्यू आर 3.9 सेंटीमीटर हम ड्रा करते हैं। पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, आर पे हम 45 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। तो पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 180 की आर्क लगाएं, 0 डिग्री से 60 डिग्री की आर्क लगाई, 60 डिग्री से 120 की आर्क लगाई और 120 की आर्क से, पॉइंट से आपने 90 डिग्री की आर्क लगाई। 90 डिग्री का जो पॉइंट आपको मिला है वहां से हम लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं और ये जो 90 डिग्री का पॉइंट हमें नया हासिल हुआ है 180 पे, यहां से 45 डिग्री। तो ये हमने 45 डिग्री के एंगल से पास करती हुई एक लाइन ड्रा कर ली। अब हमारे पास है पी और क्यू 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन की क्यू का इस्तेमाल करते हुए ये हमने 45 डिग्री के एंगल से पास करती हुई लाइन को इंटरसेक्ट किया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी का नाम दे दिया। पी को ज्वाइन करेंगे क्यू के साथ। अब हम पी क्यू आर से अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे ऑपोजिट साइड के ऊपर। तरीकाकार के मुताबिक पॉइंट पी का इस्तेमाल करते हैं पहले और अपनी कंपास को इतना ओपन करते हैं कि ऑपोजिट साइड पे ये दो जगहों पे इंटरसेक्ट कर ले। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये साइड क्यू आर को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दूसरा पॉइंट ट्रायंगल से बाहर है, तो हम इस साइड को एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे ताकि हमें दूसरा पॉइंट भी मिल जाए। आप इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते। तो ये आपके पास पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे
और दो नई आर्क जो हैं वो ड्रा कर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑपोजिट वर्टेक्स पी से मिलाते हैं। तो ये पॉइंट पी से आपने अल्टीट्यूड ड्रा किया ऑपोजिट साइड क्यू आर। अब हम दूसरा पॉइंट यूज करते हैं क्यू, और क्यू के ऑपोजिट जो साइड है उस पे आपने एक आर्क लगानी है जो दो जगहों पर इंटरसेक्ट करेगी। ये आर्क लगाई तो हमारे पास ये दो पॉइंट आए हैं। इन दो पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे और दो नई आर्क जो हैं वो लगाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं। तो वर्टेक्स है क्यू, पीछे तक बढ़ा सकते हैं आप। अब हमारे पास जो तीसरी साइड है वो, अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है आर, इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑपोजिट साइड है पी क्यू, इस पे आपने एक आर्क लगानी है जो कि दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब यहां भी हमें दूसरा पॉइंट नहीं मिला तो हम साइड पी और क्यू को बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन की मदद से। और दूसरा पॉइंट हासिल कर, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। यहां से हम दो नई आर्क लगाएंगे। तो पहले हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ये आर्क, और फिर दूसरे पॉइंट का इस्तेमाल किया ये आर्क, और इन दोनों आर्क से हासिल होने वाले पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स आर से मिला देंगे। तो ये हमारे पास ये तीनों जो हैं एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो पी ऑपोजिट साइड क्यू आर पर जो पॉइंट ए पर मिला, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला आर जो है ऑपोजिट साइड पी क्यू पर जिस पॉइंट पर मिला है वो है क्यू, इसको हम बी कह देते हैं, और क्यू से ऑपोजिट साइड पर ये है सी। तो हम लिखते हैं पी ए आर बी एंड क्यू सी। आर altitudes ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर टू, थर्ड पार्ट है, मेजरमेंट ऑफ पी आर इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर एंगल पी इक्वल टू 105 डिग्री। तो पहले हम ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो बनाते हैं। तो हमें यहां देखें कि हमारे पास एक मेजरमेंट है पी आर, जबकि दो एंगल है, एक पी पे और एक क्यू पे बन रहा है। आर पे भी एक एंगल बनना चाहिए क्योंकि क्यू पॉइंट हमारे पास नहीं है। हम इन दो पॉइंट या इन दो एंगल्स की मदद से एंगल आर मालूम कर, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल 180 के इक्वल होते हैं सम। तो पी है 105 डिग्री,
क्यू है 30 डिग्री, मेयर एंगल आर 180 डिग्री। तो मेयर एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो मेयर एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री का एंगल आर पर बनाते हैं तो क्यू पर खुद ब खुद एंगल 30 डिग्री का बन जाएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर बनाते हैं। पी आर लेंथ का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर। पॉइंट पी और पॉइंट आर। पी पे हम एंगल बनाएंगे 105 डिग्री का और आर पे एंगल बनाएंगे 45। दोनों के लिए आपको 90 डिग्री का एंगल, तो पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आर पी पॉइंट का इस्तेमाल किया, 180 की आर्क लगाई, 0 डिग्री का इस्तेमाल किया, 60 डिग्री की आर्क लगाई और 60 डिग्री का इस्तेमाल किया, 120 की आर्क लगाई और 120 का इस्तेमाल किया और ये 90 डिग्री की आर्क लगाई। 90 डिग्री का जो पॉइंट आपको मिला इसको ज्वाइन करते हैं पी के साथ और ये पॉइंट मुंतकल करते हैं 180 के एंगल पे। तो ये 180 के एंगल की जो आर्क है इस पे रख के आपने 90 डिग्री की आर्क को इंटरसेक्ट, ये हमारे पास 105 डिग्री का एंगल है। तो 105 डिग्री का एंगल हमने ड्रा कर लिया। अब आर पे हम बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल। वन एटी की आर्क, 0 डिग्री का इस्तेमाल किया, 60 डिग्री की आर्क, 60 डिग्री का इस्तेमाल किया, 120 की आर्क और 120 डिग्री का इस्तेमाल किया तो 90 डिग्री की आर्क। 90 डिग्री का पॉइंट हासिल करते हैं 180 की आर्क पे और 90 डिग्री के पॉइंट का इस्तेमाल किया और ये 45 डिग्री की आर्क लगा। तो हमें पॉइंट क्यू हासिल हुआ। तो पॉइंट पी का इस्तेमाल करते हैं और पी के ऑपोजिट हम एक आर्क लगाते हैं जो ऑपोजिट साइड को दो जगहों पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो पहला पॉइंट ये हमारे पास और दूसरा पॉइंट, इन दो पॉइंट का इस्तेमाल करना है और दो नई आर्क लगाने। पहले पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ये एक आर्क लगाई और फिर दूसरे पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और ये एक आर्क लगाए। नए पॉइंट को वर्टेक्स पी से मिला दें। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं पी से पिछली तरफ भी। वजह यह है कि क्यू जो है ना ये पी से बाहर की तरफ है, यानी पी पर जो बनने वाला एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो आल्टीट्यूड जो है वो ट्राइंगल से बाहर मिलेंगे। अब हम पॉइंट आर का इस्तेमाल करेंगे और आर के जो ऑपोजिट आपके पास साइड है क्यू पी क्यू, इस पे एक आर्क लगानी है आपने जो दो जगहों पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां हमें एक ही पॉइंट मिला है ये वाला, दूसरे के लिए हम पी क्यू साइड को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों
पॉइंट का आपने इस्तेमाल करना है और दो नई आर्क लगानी। तो ये एक आर्क लगाई और दूसरे पॉइंट का इस्तेमाल किया और ये आर्क, और ये जो नया पॉइंट आपको मिला है इसको ज्वाइन करेंगे आर्क। अब हमारे पास तीसरी साइड पी आर है। अपनी कंपास क्यू पे रखेंगे, अपनी कंपास क्यू पे रखेंगे और इतनी एक्सटेंड करेंगे, खोलेंगे इसको कि ऑपोजिट साइड को दो जगहों पर इंटरसेक्ट करे। और आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए हमें साइड जो है पी आर को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो पी आर साइड को एक्सटेंड करते हैं। तो हमें दो पॉइंट हासिल हुए, एक ये और एक ये। इन दोनों पॉइंट से आप दो नई आर्क लगाएंगे। तो पहले पॉइंट का इस्तेमाल किया, ये आर्क लगाई, और फिर दूसरे पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और ये आर्क। जो नया इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है उसको मिलाएंगे क्यू के साथ। हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो हैं ये एक ही पॉइंट पर अल्टीट्यूड मिल रहे हैं। अब पी ऑपोजिट साइड पर जहां अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है ये है ए, क्यू के ऑपोजिट बी और आर के ऑपोजिट। अब क्योंकि ये अब साइड को यहां एक्सटेंड की हुई साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये सी। तो हम लिख सकते हैं पी ए क्यू बी एंड आर सी आर altitudes of triangle PQR।